हाय, आई एम डॉक्टर उर्विशा, क्लिनिकल फिजियोथेरापिस्ट। आज हम राउंडेड शोल्डर्स के बारे में जानेंगे। खड़े होने, बैठने, चलने या सोने के दौरान व्यक्ति के शरीर की स्थिति कैसे पोस्चर में है, उसके अनुसार व्यक्ति के शरीर की पोस्चरल डिफॉर्मिटीज के बारे में जाना जा सकता है। डिफॉर्मिटी शरीर के किसी भी अंग या जॉइंट की हो सकती है। कायफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस, नॉकनी, फ्लैट फुट, राउंडेड शोल्डर जैसी कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज है। तो अब हम राउंडेड शोल्डर्स के बारे में बातें करेंगे। जब शोल्डर्स रेस्टिंग पोजीशन में होते हैं तब वो फॉरवर्ड मूव हुए होते हैं। इस स्थिति में बॉडी अपने आइडियल अलाइनमेंट में नहीं रहती। स्मार्टफोन या टैबलेट का यूज़ करते समय, कंप्यूटर या लैपटॉप का यूज़ करते समय आपकी गर्दन नीचे और शोल्डर आगे झुके होते हैं। लंबे समय तक खराब मुद्रा में बैठने से, खड़े होने से और हैवी चीज़ हर दिन उठाते रहने से आपके शरीर का गुड पोस्चर मेंटेन नहीं होता, जिसकी वजह से आपको राउंडेड शोल्डर्स की डिफॉर्मिटी हो सकती है। अब जानेंगे राउंडेड शोल्डर्स के लक्षण कौन कौन से होते हैं। शोल्डर्स की मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाना, रेंज ऑफ मोशन कम हो जाना, हाथों में टिंगलिंग और नंबनेस महसूस होना, कोई मूवमेंट करते समय शोल्डर पेन होना, राउंडिंग शोल्डर्स हो जाना, जैसे राउंडेड शोल्डर्स के लक्षण हैं। सो फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में राउंडेड शोल्डर्स क्या होते हैं और हमारी कौन कौन सी बैड हैबिट्स की वजह से हमें राउंडेड शोल्डर्स हो सकते हैं, इसके बारे में जाना। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।